हेलो, आज का विषय है सफेद पेशी के ग्राफ रिपोर्ट का परीक्षण कैसे करते हैं। इसके पहले मैं आपको विनती करता हूं कि आप हमारे चैनल पर हेमेटोलॉजी ऑटो एनालाइजर के 3 वीडियो और ग्राफ रिपोर्ट के परीक्षण के 2 वीडियो जरूर देखें, तो आपको आज का विषय समझने में आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं कि सफेद पेशी का ग्राफ रिपोर्ट कैसे निकलता है। आपने पहले देखा ही है कि जब EDTA खून जब हीमेटोलॉजी के एनालाइजर में चला जाता है, तब सफ़ेद पेशी के उसका 500 तक डाइल्यूशन पतलापन होता है। फिर इसमें लाल पेशी नष्ट करने का द्रव्य मिलाया जाता है और फिर मशीन में एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है जिसको कहते हैं ऑटोमेटिक डिस्क्रिमिनेटर। तो उसके जरिए मशीन में सफ़ेद पेशी का उनके आकार के मुताबिक पृथक्करण एनालिसिस होता है। तो सफ़ेद पेशी का एनालिसिस और सेपरेशन ऐसे होता है, 30 और 90 फेल्टोलीटर से लिम्फोसाइट्स के लिए सेपरेशन होता है, 90 और 160 फेल्टोलीटर से मोनोन्यूक्लियर पेशी के लिए सेपरेशन होता है और 160 और 450 फेल्टोलीटर से ग्रैन्युलोसाइट्स के लिए सेपरेशन होता है। और मोनोन्यूक्लियर जोन में होते हैं मोनोसाइट्स, ब्लास्ट सेल्स और शुरू में निकले हुए इमैच्योर माइलॉयड सेल्स, और ग्रैन्युलोसाइट्स में होते हैं न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इओजिनोफिल्स। अब यह सफ़ेद पेशी का ग्राफ रिपोर्ट देखिए और नॉर्मल रेंज के साथ तुलना करें, तो क्या समझ में आता है कि यह रिपोर्ट तो नॉर्मल है। इसमें लिम्फोसाइट्स, मोनोन्यूक्लियर सेल्स और ग्रैन्युलोसाइट्स के जोन्स देखिए, ये सभी नॉर्मल है। और अब तुलना करें यह ग्राफ की ये दूसरे ग्राफ रिपोर्ट से। इसमें क्या दिखता है कि लिम्फोसाइट्स, मोनोन्यूक्लियर सेल्स और ग्रैन्युलोसाइट्स के सारे जोन्स काफ़ी बढ़ गए हैं। अब नॉर्मल रेंज के साथ अभी इनके जो भी रिपोर्ट आए हैं वो सब तुलना करें, तो क्या समझ में आता है कि टोटल WBC काउंट यहाँ दिख रहा है इसमें 56.2, इसका मतलब 56,200 इसका काउंट बढ़ गया है, जो असलियत में नॉर्मल होता है 5,000 और 10,000 तक। और लिम्फोसाइट्स है 10% और मोनोन्यूक्लियर सेल्स है 2.4% और ग्रैन्युलोसाइट्स इसमें दिख रहे हैं 86.3%। अब यह देखिए कि ग्रैन्युलोसाइट्स जो 86.3% तक बढ़ गए हैं, जिसमें शामिल होते हैं न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इओजिनोफिल्स, इसका मतलब क्या है कि ये सारे सेल्स काफ़ी बढ़ चुके हैं। और मोनोन्यूक्लियर जोन भी बड़ा दिख रहा है, तो इसमें शायद बड़े आकार से जो ब्लास्ट सेल्स होते हैं और माइलॉयड सेल्स होते हैं वो भी शामिल हो सकते हैं। यह सभी से यह अंदाज़ा हो सकता है कि यह केस है एक पेशेंट की जो शायद क्रॉनिक माइलोजेनियस ल्यूकेमिया से पीड़ित हैं। और आपको तो पता ही है कि ल्यूकेमिया में सफ़ेद पेशी काफ़ी बढ़ते हैं 10,000 के ऊपर, और यह ब्लड स्मेयर डिफरेंशियल काउंट स्टेनिंग करके माइक्रोस्कोप के सहारे निश्चित करने की ज़रूरत है। आपको इस एजुकेशनल वीडियो के बारे में कुछ प्रश्न है तो ज़रूर पूछें, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा यह बुक चैप्टर नंबर 38 जरूर पढ़ें। और मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो आगे चलकर हम आपके लिए लेके आएंगे और एक नया एजुकेशनल वीडियो। तब तक थैंक यू वेरी मच।